गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 7 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 डे 14। अब डे 14 के जो असाइनमेंट है उसमें जो क्वेश्चंस मैं दे रखी हूँ उसी को ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 5.1 के 6 क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। 1 और 2 दोनों 180 डिग्री है। इफ़ एंगल वन इज़ डिक्रीज दैट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अभी इसमें बता रखा है अगर ये डिक्रीज हो जाए, ये एंगल 1 डिक्रीज हो जाए तो एंगल 2 उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे। एंगल 1 अगर जितने डिक्रीज होंगे वो एंगल 2 में ऐड हो जाएंगे और इसके बाद वो बता रखा है वो स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री रहेंगे। क्या सप्लीमेंट्री रहेंगे अगर ये एंगल हम बना रखे हैं 1 और 2 बता रखे हैं। जैसे ये 1 है ना, कम हो जाएगा ये एंगल, क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा, तो ये 2 में ये एंगल बढ़ जाएगा, 2 में ये बढ़ जाएगा एंगल, तो उसमें क्या होगा, फिर भी ये सप्लीमेंट्री रहेंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये सप्लीमेंट्री रहेंगे या नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, इन केस 1 इज डिक्रीज द सेम अमाउंट ऑफ डिग्री मेजर इज एडेड टू एंगल 2, एंगल 2 बी इंक्रीज बाई सेम अमाउंट ऑफ डिग्री मेजर, देन ये सप्लीमेंट्री रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में बता रखा है कि कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अभी इसमें फर्स्ट में बता रखा है दोनों का हम अगर एक्वेट एंगल दोनों ही हो तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या। जैसे एक्यूट एंगल है तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल लेस देन 180 डिग्री देन 2 एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। अभी जिसे ऐसे बता रखा है एक्वेट एंगल 2 अगर हम सम करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री हो सकता है क्या। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों को हम प्लस करेंगे सम करेंगे तो 180 आ जाएंगे। और एक्वेट एंगल जैसे वो 90 डिग्री से लेस देन है, अगर 90 डिग्री से लेस देन दोनों ही है तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएंगे। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में बता रखा है ऐसे ही आपको सबको करना है। ऑब्टूस एंगल है, ऑब्टूस एंगल है तो सेकंड में क्या बता रखा है, द टू ऑब्टूस एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री। टू ऑब्टूस एंगल ये मोर देन हो जाएगा क्योंकि ये 190 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यही है। और देन थर्ड में आपको बता रखा है राइट एंगल हो, अगर राइट एंगल हो तो उन दोनों को सेम करेंगे तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं। अगर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री दो को हम सम करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ये दोनों मिला के सप्लीमेंट्री बन सकते हैं। यस, अब आपको ऐसे ही करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं 2 क्वेश्चन आपको समझाई हूँ डे 14 के, और आगे जो क्वेश्चन है उसको आप खुद ही सॉल्व करना। थैंक यू।